नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना कस्टम डोमेन ब्लॉगर में सेटअप कर सकते हैं। जी हां, हाउ टू सेटअप कस्टम डोमेन फॉर ब्लॉगर, और ये मैं आपको बताऊंगा नेमचीप से कैसे आप अपना कस्टम डोमेन जो कि आपने नेमचीप से परचेज किया हुआ है उसको ब्लॉगर में कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन दूंगा आपको। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने ब्लॉगर पे ये अपना एक ब्लॉग बना रखा है टेक गुरु के नाम से, जिसको मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक गुरु विनोद इस नाम से डोमेन मैंने वो ब्लॉग मैंने बना रखा है। तो चलिए मैं इसको इसी में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना कस्टम डोमेन सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से लिए हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोड हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है ब्लॉग एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना कस्टम डोमेन ऐड करने का ऑप्शन दिख रहा है, सेटअप अ थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, अगर आपके पास डोमेन है तो यहाँ पे क्लिक करिए, अदरवाइज यहाँ पे बाय का बटन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना डोमेन का नाम डालना है, तो जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन मेरा ये है जो कि मैंने परचेज किया हुआ है नेमचीप से। और ये देखिए अभी नेमचीप के सर्वर पे चल रहा है, अभी इसमें कुछ हॉस्ट नहीं किया हुआ है, नाम यहाँ पे लोगो दिख रहा है नेमचीप का। तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको HTTP नहीं ऐड करना है, और यहाँ पे आपको पूरा WW के साथ URL ऐड करना है, www. आपका जो डोमेन नेम है .com .in जो भी है वो इस तरीके से आपको ऐड करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखिए एरर कुछ दिखा रहा है, वी हैव नॉट एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू दिस डोमेन, एरर यहाँ पे आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने जो डोमेन जहाँ से आपने परचेज किया वहाँ जाना है, और वहाँ पे गूगल का, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा नेमचीप का डैशबोर्ड है, यहाँ पे ये मेरा डोमेन एक बुक किया हुआ है। तो इसमें आपको हमें यहाँ जाके नेम सर्वर वो DNS अपडेट करना होगा, सी नेम ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा। तो यहाँ से मैनेज पे क्लिक करते हैं, ये बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैनेज पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डोमेन प्रोडक्ट्स सेलिंग एंड ट्रांसफ़र एडवांस, तो यहाँ पे एडवांस DNS का ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको बताता हूँ मैं कैसे क्या करना है, वीडियो आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए कुछ रिकॉर्ड्स पहले से ऐड हैं, इसमें सी नेम रिकॉर्ड है, URL रिडायरेक्ट है, तो ये आपको ऐसे रहने देना। आपको यहाँ जाना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और इसमें आपको लेना है सी नेम रिकॉर्ड। तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए एक और सी नेम रिकॉर्ड, दो हमने ले लिया। अब आपको ब्लॉगर में आना है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार्स वेबसाइट लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम DNS सेटिंग इन एंड एंटर द फॉलोइंग सी नेम्स। तो आपको ये सी नेम ऐड करना है, नेम में ये डालना है। तो यहाँ पे हो गया होस्ट, होस्ट में आपको ये नाम ये डालना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डेस्टिनेशन में, ये डालना है डेस्टिनेशन टारगेट और पॉइंट, ये इसमें से कोई नाम होगा, तो यहाँ पे टारगेट है तो टारगेट में आपको ये डाल देना है। फिर से आपको जाना है, ये दूसरा वाला उठाना है, और दूसरे वाले सी नेम में आपको नेम के जो फील्ड है इसमें आपको होस्ट में ये डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है नेम लेवल या होस्ट, इसमें से किसी भी नाम से हो सकता है, आपके अलग अलग डोमेन प्रोवाइडर के DNS सेटिंग में अलग अलग नाम से होता है, तो यहाँ पे होस्ट के नाम से है तो हमने डाल दिया। अब ये चीज़ इसके टारगेट पॉइंट में जो है डालना है, टारगेट में ये डालना है। तो ये हो गया सी नेम रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड हो गया। अब आपको यहाँ पे कुछ ए रिकॉर्ड ऐड करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ पे सेटिंग इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे आपको कुछ आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, ये आईपी एड्रेस को आपको ऐड करना है। तो इस आईपी एड्रेस को आपको ऐड करना है यहाँ पे, तो चलिए हम एक एक करके ऐड करते हैं, और इसको हम ऐड करेंगे ए रिकॉर्ड में। तो सिंपल इसको क्लिक करिए, ए रिकॉर्ड सेलेक्ट करिए, चार आईपी एड्रेस हमें ऐड करना है, तो चार हम आईपी एड्रेस ए रिकॉर्ड ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम फटाफट ऐड कर लेंगे। एक दो तीन चार, चार हो गए। अब इसमें आपको आईपी एड्रेस पेस्ट कर देना है, ये चार आईपी एड्रेस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चारों आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एक करके। और ये दोस्तों चारों अलग अलग आईपी एड्रेस है, तो आपको ध्यान से इसको पुट इंटर करना है। ये हो गया, अब आपको ये सारा डिटेल हमने फिल कर दिया। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सेव चेंज, सेव हो गया, ये भी सेव कर देते हैं और इसे भी सेव कर देते हैं, सबको एक एक करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो यहाँ पे आपको कुछ एरर दिखा रहा है, होस्ट नेम आपको चाहिए ए रिकॉर्ड के लिए, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि डोमेन प्रोवाइडर ओपन डीएनएस सेटिंग इंटरव्यू डोमेन नेम इन द फॉर्मेट एग्जांपल ऐड फोर ए रिकॉर्ड्स विच पॉइंट टू गूगल आईपी, गूगल आईपी को आपको करना है, जिसमें कि गो टू यहाँ पे देखिए डोमेन एंटर योर डोमेन नेम। तो आप चलिए हम यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम एंटर कर देता हूँ, सिंपल यहाँ से जाता हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये एरर दिखा रहा है, तो मैं सभी में ये डाल देता हूँ। फिर इसके बाद इसको हम सेव करते हैं, तो ये देखिए सेव हो गया, तो इन सभी को हम सेव कर देते हैं, ये हो गए सभी सेव। अब हमें जाना है ब्लॉगर में वापस, यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप ही देख रहे हैं यहाँ पे सेव पे हमने क्लिक किया, लेकिन अभी भी एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा फिर से कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस ऐड हो चुके हैं, सभी अलग अलग आईपी एड्रेस हैं, और यहाँ पे जो है ये सी नेम रिकॉर्ड भी ऐड हो गया है, तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं सीन डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पे आई थिंक ये प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि पहले से एक डब्ल्यू डब्ल्यू ऐड है, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया डिलीट, अब फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं इसको। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे एरर अभी भी आ रही है, चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। एक चीज़ अभी मैंने चेक किया है कि यहाँ पे जो हमने ये होस्ट में यूआरएल वेबसाइट का नाम डाला है, हमें वेबसाइट का नाम यहाँ नहीं डालना है, यहाँ पे हमें डालना है एट द रेट डालने के बाद हमें इसे सेव करना है, तब ये काम करेगा। यहाँ पे हमने वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया था जो कि नहीं डालना था, चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं एक एक करके। ये हमने कर लिया सेव, अब चलते हैं यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, अब ये हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमेन ऐड हो चुका है, यहाँ पे देखिए ये पुराना डोमेन है ब्लॉगर का, और ये देखिए नया डोमेन ऐड यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा HTTPS का, HTTPS अवेलेबिलिटी। अब क्या है कि आप अगर आप कोई भी डोमेन कस्टम डोमेन ऐड करते हैं तो गूगल ब्लॉगर पे HTTPS की फीचर अवेलेबल कर रहा है भाई, ऑटोमेटिक वो दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए टर्निंग ऑन HTTPS अवेलेबिलिटी विल अलाउ विजिटर टू व्यू योर ब्लॉग ओवर एन इंक्रिप्टेड
मतलब HTTPS के साथ आपका ब्लॉग ओपन हुआ, तो इसको आपको यस करना है। जब भी कोई ओपन करेगा तो ये HTTPS में आपका शो होगा। तो यहाँ पे ये यस करते ही चेंज हो गया था। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी डोमेन है HTTPS में ये ओपन होगा। चलिए इसको हम रिलोड करके चेक कर लेते हैं, जहाँ की जैसा कि आप देखिए यहाँ पे हमने ओपन किया था, तो ये देखिए अब हमारा ब्लॉगर का इस पे आ जाएगा। ये देखिए हमारा ब्लॉगर इस पे आ गया। थोड़ी सी दिक्कत होती है अगर आप कोई प्रॉपर डेटा यहाँ पे नहीं ऐड करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसको मैंने सॉर्ट आउट किया। यहाँ पे लास्ट में डॉट लग जा रहा था इनके साथ, इसकी वजह से वो नहीं ले रहा था, तो मैंने वो सॉर्ट आउट कर दिया। अब यहाँ पे डोमेन ऐड हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सलूशन आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।